अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करें, भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। ठीक है, एक बार और बोल दें क्या जी? एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सफाई को आधा ईमान कहा गया है, वहीं पर गीता में भी सफाई के बारे में बहुत सारे वर्णन आते हैं। आज भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छ भारत का जो एक संदेश दिया है, उसके पीछे मकसद यही है कि जब देश साफ होगा, समाज साफ होगा, तो कहीं ना कहीं समाज स्वस्थ होगा और देश के लोग भी स्वस्थ होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसा करने से जब पढ़े लिखे लोग, समाज के अगुआ जब ऐसा करते हैं, तो समाज के दूसरे लोगों में भी इस बात की कहीं ना कहीं उनको भी अवेयरनेस आता है, जागरूकता आती है। आज पूरे देश में, देश के कोने कोने में भारत सरकार के आह्वान पर सुबह 10 बजे ये एक घंटे का जो ये श्रमदान है, ये जो किया जा रहा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस में भी किया जा रहा है, और विशेष रूप से इस श्रमदान प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के तौर पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब भी मौजूद हैं। मकसद यही है सफाई का, स्वच्छता का, कि पूरा देश जब साफ होगा, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, तो हम देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, देश बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। यही संदेश भारत सरकार का भी है और यही संदेश सभी जितने भी देश सफाई के लिए आज लगे हैं लोग, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, ये स्वैच्छिक तौर पर कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर भी ये भावना आए। इस मौके पे मैं दरख्वास्त करता हूँ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब से कि वो आप सबको खिताब करें, संबोधित करें और सफाई की जो महत्ता है उस पर भी प्रकाश डालें। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, तालियों से आप उनका इस्तकबाल करिए। जी, बेहद खुशी की बात है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहा है। जैसा कि फरियाद साहब ने बताया कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से। आज पूरा देश इस वक्त इस अभियान में लगा हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, और ये एक घंटे का ये जो प्रोग्राम है, ये उस डायरेक्शन में एक बहुत ही मजबूत कदम है। ये ज़रूरी है हम सबों के लिए कि हम जहाँ रहते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट पूरे तौर पे क्लीन हो, हम छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं, गंदगी हमारे आसपास रहती है, हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, रास्ता चलते हम खुद भी बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली मुख्तलिफ़ चीज़ों को इधर उधर डाल देते हैं। ये एक मानू कैंपस बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन कैंपस है, जगह जगह डस्टबिन रखी गई हैं, और हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पे आज से ये कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो इधर उधर हमें डिस्पोज ऑफ करनी हो, उसको डस्टबिन में करें, इधर उधर गंदगी न फैलाएं और सफाई को अपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। यकीनन अगर हम सफाई की तरफ तवज्जो देंगे, उससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। अगर हम खुद उस काम को करते हैं, लोग भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उससे सबक लेंगे, बच्चे भी वो चीज़ सीखेंगे, और एक बेहतरीन हेल्दी कैंपस बनाया जा सकता है। और ये हेल्दी कैंपस हेल्दी कंट्री के लिए, हेल्दी मुल्क के लिए, हेल्दी देश के लिए ज़रूरी है, जहां हर तरह छोटी बड़ी बीमारियों से चीज़ें पाक हो। और हमारा एक जो मिशन है वज़ीर आज़म
श्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक हेल्दी इंडिया जो है कायम हो और सफाई और क्लीन इन्वायरमेंट के साथ हो, उसमें हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसमें कामयाब साबित हों। मैं इस मौके से आप सबों से अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का कमिटमेंट हम लोगों ने आज दिखाया है, कई दिनों से दिखा रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इस मुहिम में और लोगों को जोड़ते रहेंगे। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज हमारे बीच में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की डॉक्टर फिरदौस तबस्सुम हैं, जो वार्डन भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ये जो धन्यवाद ज्ञापन या इजहार तशक्कुर का जो फरीजा है अंजाम दें। डॉक्टर फिरदौस तबस्सुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड इश्तियाक, प्रोफेसर इश्तियाक सर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर फरियाज सर और यहाँ पर मौजूद सभी टीचिंग नॉन टीचिंग और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे स्टाफ हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर ये प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल था। उसके साथ साथ मैं IMC की टीम, स्पेशली फरियाज सर की जो पूरी टीम है, हमारे प्रोफेसर इश्तियाक सर को बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे जितने भी दानिश सर, हमारे जितने भी स्टाफ है सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत, इकबाल सर, आमिर सर, यहाँ पे मौजूद हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर्स और ख़ास तौर से हमारे स्टाफ, इनका मैं बहुत तहे दिल से, और क्योंकि आप लोग बहुत वर्क करते हैं, हैट्स ऑफ यू। हर रोज़ सुबह हम, मतलब सबसे पहला स्टाफ ये जो काम स्टार्ट करता है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको काम करवाने के लिए इनकी जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं और जो भी सर हैं सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में मैं ख़ास तौर से डॉक्टर तबस्सुम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इकबाल खान, जो हॉर्टिकल्चर को भी अभी देख रहे हैं, मैंने ऑर्डर देखा है, तो आपको भी मुबारकबाद कि सफाई के इस मुहिम में आप भी जुड़ गए हैं। आमिर बद्र है मीडिया सेंटर के, मीडिया सेंटर के दूसरे साथी जनाब डॉक्टर हशमत साहब हैं, सतीश जी हैं, रेहान साहब हैं, मंजूर हैं, उसके अलावा डॉक्टर दानिश खान हॉर्टिकल्चर के अलावा जो हमारे हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हैं नुमान खान, और बहुत सारे जो भी लोग यहाँ स्टूडेंट्स का एक बड़ा तबका है जो यहाँ मौजूद हैं, नौशाद हैं, यहाँ शहबाज हैं, शहबाज हैं, बहुत सारे लोग जिनका मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस अपील के साथ कि आज रजिस्ट्रार साहब ने जो बात कही कि आज इस प्रोग्राम को आप रोज़ का हिस्सा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि दिन का कोई थोड़ा सा एक हिस्सा आप निकालें सफाई के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये अभियान जारी रहेगा कैंपस में, मानू का जो खूबसूरत कैंपस है ये सही साफ़ सुथरा बना रहे, ये हमने प्लेज भी ले लिया है। बहुत शुक्रिया।